हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिकटॉक के बारे में। मैंने टिकटॉक के बारे में बहुत सारी वीडियोस को अपलोड भी किया है कि कैसे आप अपने फ़ोन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, कैसे आपके फ़ोन के अंदर टिकटॉक चलेगा। उस वीडियो में भी मैंने बात की थी कौन सा VPN आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपके फ़ोन में ये सब करने के बाद भी टिकटॉक नहीं चल पा रहा है, आप वीडियोस नहीं देख पा रहे, वीडियोस नहीं बना रहे हैं, वीडियोस नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, तो आज की वीडियो ये आपके लिए खास होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद आपके फ़ोन के अंदर टिकटॉक भी चलेगा और वीडियोस भी आप टिकटॉक से डाउनलोड कर पाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे फीचर टैक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सभी से गुजारिश, अगर आप हमारे फीचर टैक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं कि टिकटॉक को आप अपने फोन के अंदर विदाउट VPN कैसे चला सकते हैं, कैसे टिकटॉक से वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको लेकर आया हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। यहां पर देख सकते हैं आप, तो सामने ही देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास टिकटॉक है। मैं टिकटॉक को ओपन कर लेता हूं, जैसे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम जो है सभी के फ़ोन में हो रही है। तो यहां पर देख सकते हैं, रिफ्रेश का ऑप्शन किया है तो यहाँ पर भी ये नहीं चल पा रहा है। तो इसको कैसे ठीक करना दोस्तों, आप देख सकते हैं, वीडियो को पूरा देखना तभी आपको समझ आएगा। तो फ्रेंड्स, इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों, आपने अपना इंटरनेट कनेक्शन को ऑफ कर देना है कुछ इस तरह से। अब फ्रेंड्स, टिकटॉक के ऐप के ऊपर आपको प्रेस करके रखना है कुछ इस तरह से। जैसे आप टिकटॉक के ऐप के ऊपर प्रेस करके रखेंगे इस तरह से, अब फ्रेंड्स यहाँ पर ऐप इन्फो का एक ऑप्शन आ रहा है। अब सिंपल यहाँ पर आ चुके आप। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टोरेज का एक ऑप्शन है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लियर डाटा का आपके नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपका जो डेटा है वो क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप ये करेंगे आपका जो इंटरनेट है वो ऑफ होना चाहिए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं टिकटॉक को ऑन करता हूँ। जब भी आप टिकटॉक को ऑन करेंगे दोस्तों, तो आपका इंटरनेट कनेक्शन जो डाटा है वो ऑफ होना चाहिए। तो यहाँ से मैं इंटरनेट कनेक्शन का जो डाटा, इसको ऑन कर लेता हूँ। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको ऑन कर लिया है। अब आपने सिंपल यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ चुका है, यहाँ क्लिक कर देना है रिफ्रेश के ऊपर। तो ऐसे देख सकते हैं, मैंने क्लिक कर दिया तो नहीं चल पा रहा है ये। तो अभी ये ठीक हो जाएगा, एक बार मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं चला गया ऐप इन्फो पर, तो यहाँ से मैं क्लियर डाटा कर चुका हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं डेटा को ऑफ कर लेता हूँ यहाँ से। अब मैं टिकटॉक को ओपन कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप, ये प्रॉब्लम आ रही है। अब दोबारा से मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं ऑन कर दिया मैंने। अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो ये चलना स्टार्ट हो चुका है। अब आप बोलेंगे कि भाई आपके फ़ोन में तो एक ही वीडियो चल रहा है, पर भाई मैं यहाँ पर बता दूँ कि एक वीडियो नहीं चल पा रहा है। देख सकते हैं आप, यहाँ देख सकते हैं सारी वीडियो चलना स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपके भी फ़ोन के अंदर टिकटॉक आसान तरीके से चल जाएगा इस तरह से। अगर आप चाहते हैं टिकटॉक की वीडियोस को डाउनलोड करना, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर आपके पास शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है सेव वीडियोज़, तो आपने सिर्फ सेव वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने जो भी टिकटॉक के लिए जो भी परमिशन अलाउ नहीं की, उसको आपने अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये डाउनलोड भी हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ देख सकते हैं, ये डाउनलोड भी हो चुका है। सब कुछ बताया जाए तो इस तरह से दोस्तों, आप भी अपने फ़ोन के अंदर टिकटॉक चला सकते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर कर दीजिए। जो जो मैंने प्रोसेस किया है, जो जो सेटिंग की है वो कर लेनी है आपने, उसके बाद आपके फ़ोन के अंदर टिकटॉक आसानी के साथ चल पड़ेगा। कोई मुझे भाई ये ना बोले कि एक ही वीडियो चला है। अगर आपके फ़ोन में भी एक ही वीडियो ओपन हो रहा है तो आपने दोबारा से इसको ऐसे कर लेना है जैसे मैंने किया था। अभी यहाँ पर चले जाना है टिकटॉक के ऊपर, यहाँ से ऐप इन्फो पर चले जाना है। ऐप इन्फो के बाद यहाँ पर आपने क्लियर डाटा का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या है, आपने मोबाइल डेटा को ऑफ कर लेना है कुछ इस तरह से। अब जैसे डेटा को ऑफ कर दे दोस्तों, उसके बाद टिकटॉक को ओपन करना है इस तरह से। अब फिर उसके बाद क्या करना है, अपने मोबाइल डाटा ऑन कर लेना है।
दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना दोस्तों। कोई भी मुझे फिर यह मत बताना कि भाई आपका टिकटॉक नहीं चला रहा, आप वेब से इस्तेमाल करें, यहाँ पर दे सकते हैं किसी भी वेब का नहीं। मैं यहाँ टिकटॉक के ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, अपने यहाँ पर क्लिक कर देना है रिफ्रेश के ऊपर, तो यहाँ पर दे सकते हैं फिर नहीं चला ये, क्योंकि मैंने इसको बैक किया था तभी नहीं चला ये। आप दे सकते हैं, मैं यहाँ से दोबारा से इसका ट्राई करूँगा, यहाँ पर दे सकते हैं आप, क्लिक कर दिया मैंने। आप डेटा को मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ पर, अपने यहाँ पर मैं टिकटॉक को दोबारा से ओपन कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ये ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर मैं डाटा का ऑप्शन ऑन कर देता हूँ, यहाँ इंटरनेट डाटा उसको ऑन कर लेता हूँ और रिफ्रेश के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारा जो टिकटॉक है वो चलना शुरू हो चुका है, और जो आप वीडियो भी नीचे देखना चाहते हैं दे सकते हैं आप, सारी वीडियोज़ यहाँ पर चल रही है, आप यहाँ से वीडियोज़ भी डाउनलोड कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर दे सकते हैं। इस तरह से आप भी दोस्तों अपने फ़ोन के अंदर टिकटॉक आसान तरीके से चला सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, सभी से गुजारिश है चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।